अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। इस जनरल मैथ्स को स्टूडेंट्स हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 को हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 जिसका टॉपिक अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस है। आज स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज 7.5 को पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.5 को स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 7.5। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं। इसका नाम होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, इसको स्टूडेंट आप शॉर्ट फॉर्म में जीएमबी बोला करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में जीएमबी बोला करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास होगा ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस, ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा दो वैल्यूज के बिटवीन फाइंड किया जाएगा। जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाए करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड जीएम बिटवीन 9 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दो वैल्यूज 9 और 5 है, इनके बिटवीन आपने जीएम फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। आप यहां पर लिखेंगे जीएम इज इक्वल प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर रूट। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जीएम का आंसर क्या आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45। 45 आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। एक और भी स्टूडेंट्स इसमें स्टेप किया जा सकता है, आप 45 को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 45 को जैसे आप फैक्टराइज करें तो ये 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब आप इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दें, फर्स्ट टर्म का अलग कर दें, लास्ट टर्म का अलग कर दें, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो जीएम का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, फोर और नाइन के बिटवीन आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो फार्मूला लिखेंगे जीएम प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 9। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 36 आएगा और 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 6। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिएगा, -2 and -8। अब स्टूडेंट्स आज जैसे कि आप देख रहे हैं -2 और -8 है, इसके दरमियान आपने जीएम फाइंड करना है। तो जीएम का फार्मूला क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बी।
तो आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस एट, माइनस टू को माइनस एट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस टू एट था 16। अब 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आप देख रहे हैं, फाइंड इंसर्ट टू एम्स, इंसर्ट टू जीएम्स बिटवीन 1 and 8। आपको दो जीएम्स फाइंड करने हैं 1 और 8 के बिटवीन। तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर 1 आप लिखेंगे लेट G1 G2 और टू जीएम्स बिटवीन 1 and 8। ऐसे लिखेंगे आप इसको। वन G1 G2 और 8। फर्स्ट वैल्यू को आप A बोलेंगे, लास्ट वैल्यू को An बोलेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 हो जाएगा। एंड आपके पास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप फार्मूला लिखेंगे An Arn माइनस 1। तो आप देख रहे हैं हमारे पास n की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है। अब देख रहे हैं r की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू आपके पास 4 माइनस 1 है। एन की वैल्यू आपके पास क्या है? 4 माइनस 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a n की वैल्यू हमारे पास 8 है। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें ये r आ जाएगा, और 4 में से 1 माइनस कर दें 3 आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 है, इसको हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो आपने देखा इनके एक्सपोनेंट सेम है तो इनके बेसिस इक्वल हो जाएंगे। आर का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। अब आपको G1 और G2 फाइंड करना। अगर आप स्टूडेंट्स देखें G1 सीरीज की सेकेंड वैल्यू बनती है। सीरीज की सेकेंड वैल्यू का नाम क्या है? G1। सीरीज की थर्ड वैल्यू का नाम क्या है? G2। तो आइए फाइंड करते हैं इन्हें। G1 ये स्टूडेंट सेकेंड टर्म होगी हमारी। G1 क्या होगी? सेकेंड टर्म। आप लिखेंगे Ar2 माइनस 1, तो ये सेकेंड टर्म कहलाएगी। वैल्यू ऑफ A आप देख रहे हैं हमारे पास मौजूद है 1। वैल्यू ऑफ Ar2 मौजूद है, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट G1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। G1 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 2। आइए G2 को कैलकुलेट करते हैं। G2 स्टूडेंट तीसरी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सीरीज Ar3 माइनस 1 1, R की वैल्यू 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 बन गया। G2 का आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज है स्टूडेंट्स, वो आपको खुद सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1 and 16। 1 और 16 के बिटवीन आपको 3 GMs फाइंड करना। तो बहुत ही आसान काम होगा स्टूडेंट्स। आप लेट करेंगे लेट G1 G2 एंड G3 आर 3 GMs बिटवीन 1 and 16।
1 एंड 16। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, आप कुछ सीरीज को ऐसे लिखेंगे, 1 G1 G2 G3 16 G1 G2 G3 और 16। फर्स्ट वैल्यू को आप स्टूडेंट्स बोलेंगे ए, लास्ट वैल्यू को बोलेंगे ए एन, और आप देख लें इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास है 5। अब देखिए तो अकॉर्डिंग टू कोई फार्मूला आर मिसिंग है, ए एन ए आर एन माइनस वन, ए एन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 16 है, ए की वैल्यू 1 है, आर जैसे आप देख रहे हैं फाइंड करने वाला है, एन आपके पास है 5 माइनस 1, 16 को फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 रेज पर 4, 1 को R से मल्टीप्लाई कर दें R, 5 में से 1 माइनस कर दें 4। आप देख रहे हैं दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, इनकी बेसिस इक्वल हो जाएंगे, R का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, R का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा G1 हमारी सेकंड टर्म है, G2 थर्ड टर्म है, और G3 जो है वो फोर्थ टर्म है। दोबारा G1 अकॉर्डिंग टू सीरीज सेकेंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है। तो G1 को कैलकुलेट करते हैं, G1 के अकॉर्डिंग फार्मूला होगा ए आर 2 माइनस 1, बिकॉज ये सेकेंड वैल्यू है, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, 2 में से 1 माइनस कर दें 1 आ गया, आपने देखा 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आंसर आ जाए। G2 है, ए आर ये थर्ड वैल्यू है तो 3 माइनस 1 होगा, फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू 1 है और ये 2 माइनस 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 2 का स्केयर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्केयर बन जाएगा 4, 4 को स्टूडेंट्स आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा थर्ड वैल्यू यानी G3 आप फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सीरीज ये फोर्थ वैल्यू बनती है, ए आर 4 माइनस 1 1 2, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इस तरह G3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8, G3 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स जो आपने वैल्यूज फाइंड करनी थी वो कौन कौन सी हैं, 3 वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट स्टूडेंट सेम एज है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 16। आपको स्टूडेंट्स अब 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है, लास्ट क्वेश्चन में आप 2 ज्योमेट्रिक मीन और 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर चुके हैं, 2 एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आपको 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, तो आइए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब लिखेंगे लेट G1 G2 G3 and G4 are 4 GMs between 3 and 96। अब सीरीज कुछ ऐसे लिखेंगे 3 G1 G2 G3 G4 96। फर्स्ट टर्म को आप ए बोलते हैं, लास्ट टर्म को ए एन कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 6 हैं, आर आपको कैलकुलेट करना। तो सुन हम सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे, आर कैलकुलेट करने के बाद G1 G2 G3 G4 फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ए एन ए आर एन माइनस वन
अब देख रहे हैं ए एन की वैल्यू हमारे पास 96 है, ए की वैल्यू 3 है, आर आपने फाइंड करना है, एन आपके पास 6-1। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 396 से डिवाइड हो सकता है, 3 1s are 3 32s are, 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा, 32 को फैक्टराइज करेंगे 2 raised by 5 आएगा, क्या आएगा 2 raised by 5। तो आपने देखा 5 5 से कैंसिल हो गया, आर का आंसर आपके पास क्या आ गया 2, आर का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। आप देख रहे हैं G1 G2 G3 G4, G1 अकॉर्डिंग टू सीरीज सेकेंड वैल्यू है, G2 अकॉर्डिंग टू सीरीज थर्ड वैल्यू है, G3 अकॉर्डिंग टू सीरीज फोर्थ वैल्यू है, G4 अकॉर्डिंग टू सीरीज फिफ्थ वैल्यू है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। अब आप G1 फाइंड करेंगे जो सेकेंड टर्म ऑफ सीरीज है, G1 सेकेंड टर्म ऑफ सीरीज स्टूडेंट्स, ए आर 2-1, वैल्यू ऑफ ए वी हैव 3, वैल्यू आर वी हैव 2, 3 में से 2 में से 1 माइनस कर दे 1 आ गया, इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स G1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब G2 कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं G2 थर्ड वैल्यू ऑफ सीरीज है, थर्ड टर्म ऑफ सीरीज है, 3-1 आ गया, ये 3 ये 2, 3 में से 1 माइनस कर दें 2 आ गया, 3 वैसे का वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो G2 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, G2 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा हम G3 और G4 भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे। G3, यू नो दैट G3 फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज, अब इसको लिखेंगे ए आर 4-1, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, आर की वैल्यू 2, 4-1 ये कितना हो जाएगा 3, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स तो G3 का आंसर क्या आ जाएगा 24, G3 का आंसर क्या आ जाएगा 24। G4 को फाइंड करते हैं, आप सभी जानते हैं G4 फिफ्थ टर्म ऑफ सीरीज है, ए आर 5-1, वैल्यू ऑफ ए 3, आर आपके पास 2 है, 5-1 4 आ जाए, 2 raised by 4 16 हो जाए, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो G4 का आंसर क्या आ जाएगा 48, G4 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 48। इस तरह आपने देखा हमारा आंसर आ गया 6 12 24 48, ये वो नंबर्स थे स्टूडेंट्स जो आपको फाइंड करने थे 3 और 96 के बिटवीन। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बुक से देखिएगा, द एएम बिटवीन टू नंबर इज 25। दो नंबर के दरमियान एएम आपके पास गिवन है और वो क्या है 5, एंड देयर पॉजिटिव GM इज 16, उनका पॉजिटिव GM हमारे पास 16 है, 4 है, आपको इसका नंबर्स फाइंड करने, फाइंड द नंबर्स। तो आइए नंबर्स फाइंड करने, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर लेट करने होंगे, तो आप लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए बी आर टू नंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं ए एम
इसका फार्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। तो ए एम का आंसर आपके पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ए एम हमारे पास है 5। ए एम आपके पास क्या है 5 इज इक्वल ए प्लस बी ओवर टू, ये टू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 बन जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल 10, ये बी प्लस इधर आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस। इसको आप लेबल करें इक्वेशन नंबर 1। अब देखा वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 10 माइनस बी है। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन है जी एम, वो कितना है आपके पास 4 और पॉजिटिव जी एम है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो ए बी स्केयर वो किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ए बी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16। इसको आप लेबल करें इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे पुट ए इज इक्वल 10 माइनस बी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर आप ए की वैल्यू 10 माइनस बी पुट कर देंगे। आइए इन्हें पुट करते हैं, इक्वेशन 2 सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल 16, 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल 16। बी को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 बी माइनस बी स्केयर 16। इन दोनों को इधर भेज दें क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, बी स्केयर नेगेटिव था यहाँ के पॉजिटिव हो गया, ये 10 बी प्लस था यहाँ के माइनस हो जाएगा और प्लस 16। अब आप स्टूडेंट्स इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे ताकि वैल्यू ऑफ ए और बी फाइंड की जा सके। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे देखिएगा, लिखेंगे आप बी स्केयर माइनस 8 प्लस 2 बी प्लस 16 इक्वल 0। स्टार से माइनस लास्ट से बी, माइनस 8 बी माइनस इंटू प्लस माइनस 2 बी प्लस 16 इक्वल 0। इन दोनों बी में से बी कॉमन आ गया तो क्या रह गया बी माइनस 8, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा बी माइनस 8। बी माइनस 8 को आप कॉमन ले लें बाकी बी माइनस 2 आ जाएगा, बी माइनस 2 आ गया। अब दोनों को इक्वल 0 पुट करें, बी माइनस 8 इक्वल 0, बी माइनस 2 इक्वल 0। 8 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा बी के आंसर 2 आ गए 8 और 2। अब क्या करें इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, आप लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बी की वैल्यूज पुट कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे व्हेन b इज इक्वल 8 व्हेन b इज इक्वल 2। तो आप देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन 1 है a इज इक्वल 10 माइनस बी, a इज इक्वल 10 माइनस बी। तो b की वैल्यू पुट कर दें 8, 8 में 10 में से 8 माइनस कर दें 2 आ जाएगा, b की वैल्यू पुट कर दें 2, 2 में से 10 माइनस कर देंगे 8 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। इस तरह से हमारे जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो हैं वो आपके क्या हैं 28 और 82। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द पॉजिटिव जीएम ऑफ टू नंबर इज 6 एंड द एएम बिटवीन देम इज 10, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर
6 जैसा है. तो स्टूडेंट्स आपने इसको खुद सॉल्व करना है. आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप देख रहे हैं, शो दैट ए एम बिटवीन टू नंबर इज 4 एंड 8 इज ग्रेटर देन जी एम इन देयर ज्योमेट्रिक मीन. आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि अगर आप दो नंबर्स 4 और 8 का ए एम फाइंड करें और 4 और 8 का जी एम फाइंड करें तो ए एम का आंसर जी एम से ग्रेटर आएगा. तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, दो नंबर्स हैं 4 और 8. आपको लिखना है कि ए एम इज ग्रेटर देन जी एम. ए एम इज ग्रेटर देन जी एम. ए एम का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी ओवर 2. जी एम का फार्मूला क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर रूट. तो आप देख रहे हैं a प्लस बी यानी 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 मल्टीप्लाई 8 इसका स्क्वायर रूट. अब आप देखिएगा 4 में 8 ऐड कर दे, 12 ओवर 2 ग्रेटर देन ये 32 आ जाए. 2 वन्स आर 2, 6 आर 12, तो 6 आ गया इज ग्रेटर देन 2 square और ये 2. ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, इसका भी स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा. 6 इज ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 2. तो आप देख रहे हैं 6 ग्रेटर होगा 4 स्केयर रूट 2 से, तो ये वाकई ऐसा होगा. लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड. इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड 4 जी एम बिटवीन 160 एंड 5. आपको स्टूडेंट्स 4 जी एम्स फाइंड करने हैं 160 और 5 के बिटवीन. तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेट जी वन जी टू जी थ्री एंड जी फोर आर 4 टर्म्स 4 जी एम्स बिटवीन 160 एंड 5. 160 एंड 5. अब आपने स्टूडेंट्स सीरीज लिखनी है 160 जी वन जी टू जी थ्री जी फोर 5. फर्स्ट वैल्यू को स्टूडेंट्स हम ए बोलते हैं, लास्ट वैल्यू को ए एन. नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6. तो आपके पास एन कितना आ जाएगा, 6. और आर कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना होगा, आर कैलकुलेट करना. तो आइए लिखते हैं ए एन ए आर एन माइनस 1. ए एन हमारे पास 160 है,
ए एन स्टूडेंट्स हमारे पास 5 है, ए 160 है, आर कैलकुलेट करना है, एन आपके पास 5 माइनस 1। आप देख सकते हैं ये 160 डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और आपने देखा 5 में से 1 माइनस कर देंगे ये 4 आ जाएगा। 5 1 5 3 15, 1 कैरी आ गया, 5 2 10, 5 2 10। एन स्टूडेंट्स हमारे पास 6 है और ये 5 आएगा। अब आप देख रहे हैं 1/32 इज इक्वल आर रेज पर 5। 1/32 को फैक्टराइज करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 रेज पर 5। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, तो इनकी बेसिस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। अब ये आर का आंसर आ गया। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि हमारे पास हमने फाइंड करना G1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, अकॉर्डिंग टू सीरीज। G1 हमारी सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। G1 हमारी सेकेंड टर्म है, ए आर 2 माइनस 1, वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 160 है, आर 1/2 2 माइनस 1 ये 1 आ गया। तो अब देख रहे 2 1 2 80। तो G1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 80। G1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। G2 को कैलकुलेट करेंगे, G2 आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये तीसरी वैल्यू है हमारी, थर्ड वैल्यू है। इसका फार्मूला होगा A R 3 माइनस 1, वैल्यू ऑफ A हमारे पास मौजूद है 160, वैल्यू ऑफ R 1/2, 3 माइनस 1 ये मिलकर 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा 160। 1/2 का स्केयर फाइंड करेंगे 1/4 आ जाएगा, 4 1 4 4 16 और 0, यानी G2 का आंसर हमारे पास 40 आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं G3 को फाइंड करेंगे, G3 हमारी फोर्थ टर्म होगी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं ए आर 4 माइनस 1, ए आर 4 माइनस 1। तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 160 होगी, आर की वैल्यू 1/2 और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। 1/2 का क्यूब हमारे पास 1/8 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे, 8 1 और 8 20। तो स्टूडेंट्स G3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। G4 को देखिएगा, ये हमारी फिफ्थ टर्म है, 5 माइनस 1 होगा, ए की वैल्यू आप 160 पुट कर देंगे और आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, 5 माइनस 1 ये 4 आ जाएगा। 160 मल्टीप्लाई 1/16, 4 का एक्सपोनेंट 4 1 2 का एक्सपोनेंट 4 16 16 1 एंड 16 10। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा G4 का आंसर 10 आ जाए। तो आपने देखा हमने G1 G2 G3 G4 के आंसर फाइंड कर ले और वो आंसर कुछ इस तरह आ रहे हैं, 80 40
20 and 10। ये स्टूडेंट्स वो फोर वैल्यूज थी जो आपने 160 और 5 के बिटवीन फाइंड की। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 486 and 6। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसका तरीकाकार ऐसे ही है जैसे भी आपने क्वेश्चंस पढ़ा। आपने तीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है, अभी मैंने आपको चार फाइंड करके दिखाई हैं, तो ये भी आपको स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/8 and 1/8। तो अभी आपके सामने मैंने चार ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किए स्टूडेंट्स, आपने इसको भी खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंसर्ट सिक्स ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 56 and -7/16। तो आपको छह ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं, तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लिखेंगे, लेट G1, G2, G3, G4, G5 and G6 are 6 GMs between 56 and -7/6। तो ये मैंने आपके सामने लेट कर लिए, 6 GMs इसमें हमें आप फाइंड करने हैं। तो आइए क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 56 G1 G2 G3 G4 G5 G6 -7/16। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन को लिख दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट टर्म वैल्यू ऑफ ए होगी, लास्ट टर्म वैल्यू ऑफ ए एन होगी। वैल्यू ऑफ एन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आपको आर कैलकुलेट करना है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको फार्मूले का पता है, ए एन ए आर एन माइनस वन, तो ए एन की जगह -7/16, 56 आर एन माइनस वन क्या होगा, 8 - 1 आ जाएगा। इसको आप देख रहे हैं, 7 1s and 7 8s 56 आ जाएगा, -1/16 8 8 - 1 ये 7 हो जाएगा। आपने देखा ये मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 -1/16 × 8, और R का एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। -1, 2 को 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 raised to 4, 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 raised to 3, और 7 आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 4 और ये 3 इनको आप सॉल्व कर देंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं, -1/2 raised to 7 आर रेस पर 7, इसको आप कंबाइन लिखेंगे, -1/2 whole exponent 7 आर रेस पर 7। तो आपने देखा इनके एक्सपोनेंट सेम है, तो इनकी बेसिस आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इनकी बेसिस आपस में इक्वल हो जाएंगी। कुछ इस तरह लिखिएगा, R is equal -1/2। तो हमारे पास R का आंसर आ गया। अब आप G1 फाइंड करेंगे। G1 जैसे कि आपको पता है सेकेंड टर्म होगी, A R 2 - 1, वैल्यू ऑफ A हमारे पास है 56 और वैल्यू ऑफ R है -1/2। 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, 2 1s are 2 28s 28 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो G1 का आंसर -28 आ जाएगा। इस तरह G2 का आंसर फाइंड करेंगे,
ए आर 3 माइनस 1 56, आर की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2, 3 माइनस 1 ये 2 बन जाएगा। स्केयर माइनस को भी मिलेगा, 1 को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, माइनस को मिलेगा प्लस, 1 को मिलेगा 1, 2 को मिलेगा 4। तो अब देखिएगा 56 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, तो G2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। G3 को कैलकुलेट करेंगे, G3 जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फार्मूला होगा ए आर 4 माइनस 1, माइनस 1 ओवर 2 और इसका क्यूब, इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस 1 ओवर 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 8, इसे सिंप्लीफाई कर दें, 8 वन जा और 8 सेवन जा, G3 का आंसर हमारे पास माइनस 7 आ गया। G4 देखिएगा, ए आर 5 माइनस 1, जैसे कि आप जानते हैं G4 फिफ्थ टर्म है इसके अंदर, तो 56 माइनस 1 ओवर 2, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, फिफ्टी सिक्स माइनस वन ओवर टू का आंसर आ जाएगा 1 ओवर 16, इसकी कैंसिलेशन देखिएगा, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16, 4 फोर ज़ा 16, 2 सेवन ज़ा 14, 2 टू ज़ा, तो इस तरह स्टूडेंट्स G4 का आंसर हमारे पास 7 ओवर 2 आ गया। G5 को कैलकुलेट करेंगे, G5 आपको बताया 6 टर्म होगी, ए आर 6 माइनस 1, 56 माइनस 1 ओवर 2 और एक्सपोनेंट 5 आ जाए, 56 माइनस 1 ओवर 2 को सॉल्व करेंगे माइनस 1 ओवर 32 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें, 228 जा, 216 जा, 214 जा, 28 जा, 27 जा, 24 जा, तो देखिएगा ये जो 7 है वो माइनस 1 से आकर मल्टीप्लाई होगा, तो G5 का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 7 ओवर 4, माइनस 7 ओवर 4। इस तरह G6 है, अब वो कैलकुलेट करने वाली रह गई, G6 को देखिएगा, ए आर 7 माइनस 1, क्योंकि G6 सेवन्थ वैल्यू होगी, 56 माइनस 1 ओवर 2, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, ये 6 माइनस को भी मिलेगा, 1 को भी मिलेगा, 32 को भी मिलेगा, तो आपने देखा 56 1 ओवर 64 आ जाएगा, 1 ओवर 64 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8 सेवन जा और 8 एट जा, तो G6 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 8, G6 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 7 ओवर 8। इस तरह स्टूडेंट्स आपने 6 के 6 GMs जो हैं वो फाइंड कर दिए और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 32 ओवर 81 एंड 9 ओवर 2। तो आपको 5 GMs फाइंड करने हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे लेट G1, G2, G3, G4 एंड G5 आर 5 GMs बिटवीन 32 ओवर 81 एंड 9 ओवर 2। ये आपने लिख लिया कि 5 GMs है 32 ओवर 81 और 9 ओवर 2 के बिटवीन, इनको आप सीरीज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 32 ओवर 81 G1 G2 G3 G4 G5
9/2। ये स्टूडेंट्स आपने सीरीज बना ली, यू नो दैट फर्स्ट टर्म इसमें वैल्यू ऑफ ए है और लास्ट टर्म को आप क्या कहते हैं, ए आई। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए आर मिसिंग है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और ये सबसे पहले आर को कैलकुलेट करेंगे, ए एन ए आर एन माइनस वन, 9/2, 32/81, आर 7-1। ये देख रहे हैं स्टूडेंट 32/81 है, जब ये दूसरी साइड पे आएगा यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 81/32। 7-1 ये 6 आ गया। आप 81 और 32 को फैक्टराइज कर लें, 9 को फैक्टराइज करेंगे 3 के, 81 को फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 3/4/2/1 और ये 2/5 आ जाए। ये मैंने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ फैक्टराइज भी कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 एक्सपोनेंट है, ये 4 एक्सपोनेंट है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये 2x1 एक्सपोनेंट है, ये 5 एक्सपोनेंट है, ऐड हो जाएंगे। ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों का एक्सपोनेंट 6 है, अलग अलग है, इसको कंबाइन कर दें, 3/2 होल एक्सपोनेंट 6, आर का एक्सपोनेंट 6 आ गया। आप देख रहे हैं दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो इनकी बेसिस इक्वल हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि आर का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/2। आर का आंसर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3/2। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आप टर्म्स को फाइंड करेंगे, G1 जैसे आप देख रहे हैं ये सेकंड टर्म है, इसका फार्मूला होगा AR2-1, इसमें हमारे पास वैल्यू ऑफ ए है 32/81, आर की वैल्यू 3/2, 2-1 ये 1 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 1s are 2 16s are 3 1s are 3 27s are, तो G1 का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 16/27 आएगा, 16/27। G2 को देखते हैं, ये स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू होगी 3-1, 32/81 मल्टीप्लाई 3/2, 3-1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। स्केयर 3 को भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, इन्हें सिंप्लीफाई करें पहले, 32/81 मल्टीप्लाई 9/4, 9 1s are 9, 9s are 81, 4 1s are 4, 8s are। तो आपने देखा कि G2 का आंसर हमारे पास आ गया 8/9। अब G3 को कैलकुलेट करेंगे, G3 आप देख रहे हैं AR 4-1, G3 स्टूडेंट्स फोर्थ वैल्यू होगी 32/81 मल्टीप्लाई 3/2, 4-1 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 4-1 3 आ जाएगा जो क्यूब कहलाएगा, 32/81 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 27 1s are 27 3s are 8 1s are 8 4s are। तो स्टूडेंट्स G3 का आंसर हमारे पास 4/3 आ गया। G3 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। आइए G4 को फाइंड करते हैं, G4 आप देख रहे हैं ये फिफ्थ टर्म होगी, AR 5-1, वैल्यू ऑफ A है 32/81, वैल्यू ऑफ R है 3/2, 5-1 4 आ जाएगा, 32/81 मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 4, ये भी स्टूडेंट्स 81 आएगा, 3 का एक्सपोनेंट 4 ये 16 आएगा। दोबारा देखिएगा, 3 का एक्सपोनेंट 4 81 और 2 का एक्सपोनेंट 4 क्या आ जाएगा, 16। आपने देखा 81 तो 81 से कैंसिल हो गया, 16 1s are 16 2s are,
तो G4 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं G5 फाइंड करते हैं। AR 6 - 1, वैल्यू ऑफ A है 32/81, वैल्यू ऑफ R है 3/2 और इसका एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 5। 32/81, 3 का एक्सपोनेंट 5 आ जाएगा 3/243 और 2 का एक्सपोनेंट 5 क्या आ जाएगा 32। 2 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 32। आप देख रहे हैं 32 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 9 9 81 और 9 2 और 9 7, सो 9 1 एंड 9 3। तो G5 का आंसर हमारे पास 3 आ गया। G5 का आंसर आपके पास क्या आ गया 3। इस तरह स्टूडेंट्स हमने पांचों ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिए, 16/27, 8/9, 4/3, इसके बाद 2, इसके बाद 3। ये स्टूडेंट्स हमने 5 GMs फाइंड कर लिए। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 7.5 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए आपको इसको ज़्यादा अटेंशन से समझना है। जितनी ज़्यादा आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कम्प्लीट हो गया है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।